हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोयाबीन और आलू से बहुत ही टेस्टी कटलेट। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक बोल में एक कप बेसन डालेंगे। इसका हमें बैटर बनाना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैंने एक कप पानी लिया है। इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। हमें एक थिक बैटर तैयार कर लेना है। मैंने इसमें 1/3 कप पानी का यूज़ किया है। अब बैटर को हमें अच्छे से फेंट लेना है और इसमें बबल्स आने तक हमें इसे फेंटना है। और इस तरह से जब बैटर में बबल्स आ जाए तब इसे हमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब एक बोल में एक कप मैश किया हुआ आलू लेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू को थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया है। अब इसमें हमें डाल देना है बॉयल किया हुआ सोयाबीन 1/4 कप। मैंने 25 पीस छोटे साइज़ के सोयाबीन लिया है और इसे मैंने नमक डाल के एकदम सॉफ्ट करके बॉयल कर लिया है। इस तरह सोयाबीन को छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे 2 टेबल स्पून। चॉप किया हुआ हरा मिर्चा टेस्ट के हिसाब से। अदरक 1 इंच फाइनली चॉप किया हुआ आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। भुना हुआ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। एक पैकेट मैगी सब्जी मसाला डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालेंगे 2 टेबल स्पून। आप इसके जगह पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ये टोटली ऑप्शनल है। अब इसमें नींबू का रस डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। अब सारे चीज़ों को हमें हाथ से अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स करना है। हमें एक टाइट मिक्सचर बनाना है। आलू में कोई भी गुठलियाँ ना रहे। जितना अच्छा मैश करेंगे कटलेट उतना ही अच्छा बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर लेंगे और इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे एक शेप दे देंगे। आप अपने पसंदीदा साइज़ में कटलेट को बना सकते हैं। अब सेम तरह से बाकी कटलेट भी हमें बना लेना है। इस मिक्सचर से मैंने टोटल यहाँ पे 11 कटलेट बना के तैयार किया है। अब हम बैटर को दोबारा अच्छे से मिला देंगे। अब गरम ऑयल में 1-2 ड्रॉप बैटर डाल के चेक कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तब बैटर में एक एक करके कटलेट को डालेंगे और इस तरह से बैटर में कोट करके गरम तेल में छोड़ देंगे। कटलेट को हमें डीप फ्राई करना है। एक साथ 3-4 कटलेट हम डाल देंगे और इसे मीडियम हीट पर हमें फ्राई करना है। अब तेल में जो छोटे छोटे बेसन की बूंदियां हैं उसे हमें निकाल देना है वरना ये जल जाएगा। और 3 से 4 मिनट के बाद कटलेट को हमें पलट देना है। कटलेट जब अपने आप तेल में तैरने लगे तब इसे हमें पलट देना है। हर 2-3 मिनट के बाद बाद इसे पलटते रहेंगे और इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कटलेट जब बिल्कुल इस तरह से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हम तेल से निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।